CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम छुप छुप गाड़ी। अध्यापिका बच्चों को छुप छुप गाड़ी पाठ पढ़ा चुकी है। बच्चों को रेलगाड़ी के बारे में समझाने के लिए एक एक बच्चे को मंच पर बुला रही है। तो बच्चों, आप सबको पता है ना कि रेलगाड़ी कैसे चलती है? जी मैम, जी मैम। कैसे कैसे? छुक 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 छुक। बिल्कुल, छुक छुक करके चलती है। तो बच्चों, मैंने रेल इंजन का एक मुखौटा बनाया है। मुखौटा जानते हैं ना? जी मैम। ठीक है, तो मैं जिसे बुलाऊंगी वो यहाँ आकर इसे पहनेगा और रेलगाड़ी के बारे में उसे बताना होगा। ठीक है? जी मैम। बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले सुमैया यहाँ पर आकर रेलगाड़ी के बारे में हम सबको बताएगी। हाँ, मैं भी बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, सबका नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है। सुमैया मंच पर आती है, अध्यापिका के बगल में खड़ी हो जाती है। अध्यापिका का दिया हुआ रेल इंजन का मुखौटा पहनती है। मैं रेलगाड़ी हूँ, मैं पहियों पर चलती हूँ। तुम्हारे चेहरे के तरह मेरा चेहरा भी होता है, उसे इंजन कहते हैं। शाबाश सुमैया। बच्चों, सुमैया के लिए जोरदार ताली तो बजाओ जरा। नियान, यहाँ आओ। जी टीचर। आ जाओ, ये लो मुखौटा पहनो और रेलगाड़ी के बारे में बताओ। जी टीचर। मैं रेलगाड़ी हूँ, मैं अपने साथ कई डिब्बे लेके चलता हूँ। यह लंबी पूंछ की तरह दिखता है। बहुत बढ़िया नियान। बच्चों, ताली हो जाए। गुड, बहुत अच्छे। बस बस बस। तो अब बारी है अन्वी की। अन्वी, यहाँ आओ। जी मैडम। ये लो अपना मुखौटा और अब हमें रेलगाड़ी के बारे में बताओ। मैं रेलगाड़ी हूँ, मैं कई जगहों पर जाती हूँ। जंगल, पहाड़ों, गुफाओं, खेतों से होकर गुजरती हूँ। मैं नदियों पर बने पुल पर चलती हूँ। मैं नदियों के ऊपर धीमे धीमे चलती हूँ। शाबाश बच्चों, अब अन्वी के लिए ताली हो जाए। अब बारी है निखिल की। निखिल, यहाँ आओ। जी टीचर। आ जाओ, ये लो अपना मुखौटा पहनो और अब क्या करना है? रेलगाड़ी के बारे में बताना है। ठीक है? जी टीचर। मैं रेलगाड़ी हूँ, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे छोटे हो या बड़े, सब मेरे लिए एक समान है। सब मुझ में सफर कर सकते हैं। मैं सबको उनकी मनपसंद जगह पहुंचाता हूँ। शाबाश निखिल। तो बच्चों, आप सबने आज मुझे रेलगाड़ी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मुझे बहुत मजा आया, आपको भी आया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आया। और आप सब इसी तरह जैसे आपने मुझे बताया है, अपने बाकी के दोस्तों को भी रेलगाड़ी के बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताना। ठीक है? ठीक है मैम। ओके, ठीक है। नदियाँ हो या हो पर्वत,
नदियाँ हो या हो पर्वत, घाटी हो या हो मैदान, घाटी हो या हो मैदान, नदियाँ हो या हो पर्वत, नदियाँ हो या हो पर्वत, घाटी हो या हो मैदान, घाटी हो या हो मैदान, सबको करती पार चली रेल चली भाई रेल चली, सबको करती पार चली रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली भाई रेल चली। बच्चों, अभी आपने सुना कार्यक्रम छुक छुक गाड़ी। कैसा लगा कार्यक्रम? मजा आया ना? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि रेलगाड़ी को छुक छुक गाड़ी भला क्यों कहते हैं? तुम कहोगे कि रेलगाड़ी छुक छुक की आवाज करती है, लेकिन भाई अब तो रेलगाड़ी की आवाज छुक छुक नहीं होती ना, तो फिर क्यों कहते हैं इसे छुक छुक गाड़ी? सोचो। जरा सोचो। अच्छा चलो हम बता देते हैं। इन दिनों रेलगाड़ी बिजली से चलती है और उसकी आवाज छुक छुक नहीं होती, लेकिन पहले रेलगाड़ी चलती थी भाप से और भाप के इंजन की आवाज होती थी कुछ ऐसी। जरा सुनो। है ना ये छुक छुक की आवाज? तो इसीलिए बच्चों लोग रेलगाड़ी को छुक छुक गाड़ी भी कहने लगे। एक और मजेदार बात बच्चों, जिस पटरी पर ये चलती है ना, उस पटरी को रेल कहते हैं और इसीलिए इसे रेलगाड़ी कहते हैं। रेलगाड़ी भूमि परिवहन का एक मुख्य साधन है। तो अब जरा मालूम करो, भूमि, जल और हवा में चलने वाले परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? अभी आपने सुना कार्यक्रम छुक छुक गाड़ी, अकादमिक समन्वय सह आचार्य रमेश कुमार, कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यंकन शानू मुक्सीम और मयंक कुमार, कलाकार प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह, बाल कलाकार वान्या, मिष्टी, नमन, विशाल, लवीश, आयान, वेदिका, आरूप, दृष्टि और खुशी, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक अमित कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।